मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं चलता हूँ आगरा के ताजमहल घूमने। हम सबसे पहले कटनी स्टेशन आए, फिर मैंने निजामुद्दीन के लिए ट्रेन का वेट किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट आगरा का ट्रेन क्यों नहीं पकड़ा, मेरी मर्जी। हाँ, तो मैं निजामुद्दीन के लिए ट्रेन पकड़ लिया। फिर मैं निजामुद्दीन से सरायकाले खां मेट्रो स्टेशन गया। फिर मैंने वहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर के लिए मेट्रो पकड़े और अपने जीजा और भांजा से मिलने चला गया, क्योंकि मुझे कुछ काम भी था। फिर रात में हम लोग थोड़ा बहुत वहाँ घूमे, फिर वहीं पे रुक के आराम किए। फिर सुबह 8:30 बजे कार से हम लोग मथुरा और वृंदावन दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ पे हम लोग करीब 11 बजे पहुँचे और वैष्णो देवी टेम्पल पूजा करने के लिए चले गए। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे, कुछ खाया पिया। फिर हमने बांके बिहारी टेम्पल और प्रेम बिहारी टेम्पल, जो थोड़ी दूर पर ही था, दर्शन के लिए निकल गए। पर हमारी किस्मत ख़राब थी दोस्तों, सारे टेम्पल बंद हो चुके थे। फिर दोबारा दर्शन के लिए 4 बजे पूजा का वेट करना था, हम लोग सोच में पड़ गए। फिर वहाँ से आगरा 60 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर हमने आगरा के लिए निकल गए और पहुँच गए आगरा का ताजमहल देखने। यहाँ पे आने के बाद देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पता करने पे पता चला आज शाहजहाँ का बर्थडे है, इसलिए एंट्री फी बिल्कुल भी मुफ्त है। फिर हमने ताजमहल घूमने के लिए कैंपस चले गए। बहुत सारे टूरिस्ट को देख के दिल गदगद हो गया, क्योंकि बहुत सारे विदेशी और देसी लोग भी आए हुए थे। फिर हमने फ़ोटो शूट कराई और आसपास की फ़ोटो ली। सच कहूँ तो बहुत मज़ा आया। फिर शाम के बज गए 5:30। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा और लोग जाने भी लगे। फिर हमने भी वहाँ से निकल गए और गुरुग्राम के लिए निकल गए। ऐसे ही शॉर्ट्स ब्लॉग के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। I wanna spend my life drowning in your eyes.